हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी रश। टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी फैंस के बीच अपनी एक बेहद खास इमेज रखती हैं और महिला सशक्तिकरण को लेकर भी कई बार अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं। हाल ही में दिव्यांका त्रिपाठी ने लाइव चैट के दौरान खुलासा किया कि किस तरह उन्हें बदसलूकी का सामना करना पड़ा था। पब्लिक प्लेसेस पर अक्सर महिलाओं को पुरुषों के द्वारा गलत तरीके से छूने की कोशिश की जाती है। ऐसी घटनाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं का विरोध करने की जगह ज्यादातर लड़कियां इग्नोर करना ही बेहतर समझती हैं। अब दिव्यांका ने अपने अनुभव को साझा करते हुए फैंस को ये मैसेज दिया है कि इन घटनाओं को चुपचाप सहना नहीं चाहिए, बल्कि इसका विरोध करना चाहिए। दिव्यांका ने बताया कि मेरे साथ ये घटना थिएटर में हुई थी। ये उस वक्त की बात है जब मल्टीप्लेक्स नहीं हुआ करते थे, बल्कि सिंगल स्क्रीन थिएटर्स होते थे और टिकट के लिए लंबी लाइनें लगती थी। उस समय लोगों की काफी भीड़ हुआ करती थी। एक बार मैं फिल्म देखने गई थी और टिकट खिड़की पर भीड़ काफी ज्यादा थी। वहां भीड़ का फायदा उठाकर एक शख्स मुझे गलत ढंग से छूने लगा। दिव्यांका ने आगे बताया कि उन्होंने उस शख्स की इस हरकत को चुपचाप सहने की जगह इसका विरोध करने के विकल्प को चुना। दिव्यांका ने कहा, उस शख्स की इस हरकत से मुझे गुस्सा आया और मैंने अपना आपा खो दिया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका चेहरा भी नहीं देखा। तभी वो भीड़ से निकलकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा, उसे बाहर तक खींच लाई। इसके बाद मैंने उसका चेहरा देखा और एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मुझे लगता है कि आप सभी लड़कियों को भी ऐसा ही करना चाहिए जो दिव्यांका त्रिपाठी ने कभी किया था। खैर, आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। इन दिनों ऑल्ट बालाजी का अपना ही स्वैग चल रहा है। हर सेलिब्रिटी ऑल्ट बालाजी पर बिंज वॉच करते हुए हर शो को देख रहा है। ऐसे में रश्मि देसाई ने तो अपनी हदें ही पार कर दी हैं। रश्मि देसाई योगा करते हुए भी ऑल्ट बालाजी के शोज को देख रही हैं। जी हाँ, रश्मि देसाई ने हाल ही में अपने सोशल अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो योगा कर रही हैं और उनके सामने है लैपटॉप जिसमें चल रहा है ऑल्ट बालाजी का शो मेंटल हुड। इस तस्वीर को खुद रश्मि देसाई ने अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया है और एकता कपूर को टैग भी किया है। वो ये भी कह रही हैं कि उन्हें ये शो इतना पसंद आया है कि वो योगा करते समय भी इसे देखना पसंद कर रही हैं। वहीं अपने घर क्वारंटाइन बिताते हुए प्रिंस नरूला को पत्नी युविका संग प्रैंक करना पड़ गया बेहद भारी, और यहाँ तक कि उनकी पिटाई भी हो गई, सिर्फ हाथों से नहीं बल्कि लातों से भी। जी हाँ, युविका चौधरी ने अपने पति प्रिंस नरूला को लातों की बरसात दिखाई। दरअसल प्रिंस युविका के साथ एक प्रैंक कर रहे थे। वीडियो में युविका पहले तो प्रिंस की बातों को काफी ध्यान से सुनती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें प्रैंक का पता चला वो काफी गुस्से में आ जाती हैं और प्रिंस को पीटने लगती हैं। इस वीडियो को प्रिंस ने शेयर करते हुए लिखा है कि प्रैंक वीडियो, पत्नी के साथ कुछ मस्ती किया, वीडियो के बाद मेरा क्या हाल हुआ देखिए इस वीडियो में। वैसे जो प्रिंस हरकत कर रहे हैं उसमें पिटना तो लाजमी था। हाल ही में बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट शेफाली जरीवाला की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें कहा जा रहा था कि शेफाली प्रेग्नेंट है, लेकिन कुछ शेफाली ने ही इस पर अपना बयान देते हुए कहा कि ये प्रेगनेंसी का बम्प नहीं है बल्कि ये ओवर ईटिंग का बेबी बम्प है। जी हाँ, बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रही शेफाली जरीवाला ने हाल ही में माँ बनने की अपनी इच्छा के बारे में बात की है। शेफाली ने अपने कई इंटरव्यूज में बताया है कि वो माँ बनना चाहती हैं, लेकिन अब इस बारे में कुछ ज़्यादा सोच नहीं रही। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अभिनेत्री सनी लियोनी को अपना इंस्पिरेशन बताया और बताया कि वो उनकी तरह एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट करना चाहती हैं। हालांकि इस बारे में उन्होंने अभी आगे कुछ नहीं कहा है, लेकिन अगर शेफाली बेबी गर्ल अडॉप्ट करती हैं तो उनके फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। आपको याद ही होगा कि कुछ दिनों पहले ही जैकलिन फर्नांडिस ने अपना नया गाना गेंदा फूल लॉन्च किया है जिसे बादशाह ने गाया है। इस गाने को लोगों ने बहुत पसंद किया है। सोशल मीडिया हो या टिकटॉक पर वीडियोस, हर कोई इस गाने पर नाचते और थिरकते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में हीना खान अपने आप को पीछे कैसे रख सकती हैं। हाल ही में हीना खान ने अपने सोशल अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो इस गाने पर नाचती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि इस वीडियो में हीना अपने जिम लुक में दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस गाने पर नाचते हुए वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। आपको हीना का ये डांस कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए हिंदी रश।